साथ दोस्तों हमारे YouTube चैनल सक्सेसफुल मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं UGC नेट फर्स्ट पेपर की जो वीडियो सीरीज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन टॉपिक का लास्ट वीडियो है ये। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था संचार की प्रमुख प्रकृति, विशेषताएँ, प्रकार। आज के बारे वीडियो में हम जानेंगे संचार के प्रमुख अवरोधों के बारे में, जो हमारे कम्युनिकेशन में यानी हमारे विचार को दूसरे तक पहुंचने में जो तत्व बाधा उपस्थित करते हैं या जिनके कारण हमारे कम्युनिकेशन में बाधा आती है, वही कम्युनिकेशन के प्रमुख अवरोध माने जाते हैं। कम्युनिकेशन में अवरोध यानी संचार में अवरोध आ जाने से क्या होता है? अगर हमारे कम्युनिकेशन में अवरोध आ गया है तो इससे अपूर्ण संचार होता है, गलत संचार हो जाता है या संचारहीनता की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब हमारी जो बात है वो दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाती है, जिससे अनेक व्यवसायिक और प्रबंधकीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कम्युनिकेशन आम बोलचाल की भाषा में आम जीवन में प्रयुक्त होने के साथ साथ बहुत सी व्यवसायिक और प्रबंधकीय चीज़ों को मैनेज करता है, और जब संचार में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो अनेक व्यावसायिक और प्रबंधकीय समस्याएं भी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो संचार में अवरोध उत्पन्न करती हैं। सबसे पहले भाषागत अवरोध। भाषागत अवरोध क्या होता है? अगर हमारी भाषा सामने वाले को सही तरीके से समझ नहीं आ रही है, उसको भाषा समझने में दिक्कत हो रही है, तो ये भाषागत अवरोध के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे शब्दों व संकेतों के ऐसे शब्दों या संकेतों के प्रयोग किए जाएं जिनके कई अर्थ निकलते हों। ऐसे कई अर्थ निकलने वाले शब्दों और संकेतों का प्रयोग अगर हमने किया है अपने संचार के लिए, तो ये बहुत पॉसिबल है कि सामने वाला उसको अपने हिसाब से ही डिकोड करेगा, समझेगा। ये भी संचार का एक अवरोध है। इसके अलावा दोषपूर्ण अनुवाद। अगर हमारे भेजे गए संदेश का किसी ने गलत अनुवाद कर लिया है तो वो भी भाषागत अवरोध के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि जब हमने अपने मन में कुछ पहले से ही स्थितियां या विचार या सोच बना रखी होती है, अगर हम उससे ग्रसित हैं तो जो भाषा होगी उसमें हमें अपनी सोच के हिसाब से उसका अर्थ समझ आएगा। उसके बाद गलत शब्दों में अभिव्यक्ति संदेश। यदि हम अपनी अभिव्यक्ति अपना संदेश देने के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये भी हमारी भाषागत अवरोध के अंतर्गत आता है। ये है भाषागत अवरोध। इसके बाद हम बात करते हैं दृष्टिकोणात्मक अवरोध। दृष्टिकोणात्मक अवरोध मतलब जहाँ हमारे दृष्टिकोण में अवरोध हो जाता है, वो कैसे होता है ये जानते हैं। संचार में अविश्वास। अगर डिकोड करने वाले को संचार में ही अविश्वास है, वो संचार में अविश्वास नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से, तो ये उसके दृष्टिकोणात्मक अवरोध के अंतर्गत आता है। ध्यान न देना। ध्यान न देना भी दृष्टिकोणात्मक अवरोध के अंतर्गत आता है। यदि हम किसी भी चीज़ में, किसी भी कम्युनिकेशन में अपना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो भी हमको संचार द्वारा जो मैसेज पास किया जाता है, जो सूचनाएं दी जाती है, उनको समझने में दिक्कत होती है। पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन। यदि दिए गए संचार का, दी गई कम्युनिकेशन विचार का, अभिव्यक्ति का हम एक पक्षपात पूर्ण ढंग से अवलोकन करते हैं तो ये भी हमारा दृष्टिकोणात्मक अवरोध के अंतर्गत आता है। अनावश्यक मिश्रण। मैंने इसके पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन के लिए संक्षिप्त और जो अर्थपूर्ण शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि हम संचार करते समय उसमें बहुत सारा अनावश्यक मैटर, बहुत सारी अनावश्यक बातें भी डाल देते हैं तो ये भी सामने वाले के लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं और दृष्टिकोणात्मक अवरोध के अंतर्गत आते हैं। संचार का विरोध या संचार ना करना। इसके अलावा दृष्टिकोणात्मक अवरोध के अंतर्गत क्या आ सकता है कि
हम संचार के विरोध में हों, जो भी संचार हो रहा उसके पक्ष में ही ना हो। इसके अलावा अगर संचार किया ही ना जाए तो भी हमारे विचार, हमारी अभ्यर्थी दूसरे तक नहीं पहुंच सके। तो ये थे दृष्टिकोणात्मक अवरोध। अब हम बात करते हैं संगठनात्मक अवरोध की। संगठनात्मक अवरोध में क्या आता है? शोर, बहुत ज़्यादा शोर होता है अगर आसपास तो भी हमारे विचार दूसरे के तक पहुंचने में समस्या उत्पन्न होती है। समय व दूरी, अगर विचार पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है या बहुत ज़्यादा दूरी है तो ये भी संचार के अवरोध है, ये भी संचार का अवरोध माना जाता है। भय, तथ्यों पर विवाद, अगर संचार के समय हमारे अंदर किसी भी प्रकार का भय है तो वो भी संचार के अवरोध के रूप में ही माना जाएगा। संचार उससे भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। प्रॉपर संचार के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, सही संचार के लिए किसी भी तरह का भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। अगर तथ्यों पर विवाद, अगर हम ऐसे तथ्यों की बात कर रहे हैं, ऐसे तथ्यों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं ऐसे तथ्यों का जो विवादित हैं, तो ऐसे में संचार का अवरोध माना जाता है इसको। दोषपूर्ण रख रखाव और मार्गस्थ हानि, अगर जो हमारा संचार है, हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के माध्यम का अगर दोषपूर्ण रख रखाव है तो वो कभी भी प्रॉपर ढंग से हमारी बात प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचा पाती है। इसके अलावा रास्ते में, मार्ग में कम्युनिकेशन होने के बीच में, मान लीजिए हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो जो हम बोल रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो भी अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो सामने वाले तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम ठीक से बोल रहे हैं लेकिन जो रास्ते में नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो उसमें अवरोध उत्पन्न कर दे रही है, तो इसको मार्गस्थ हानि बोला जाएगा। ये संगठनात्मक अवरोध के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिगत अवरोध। व्यक्तिगत अवरोध का मतलब अधिकारियों की बात है। किसी भी चीज़, किसी भी विचार, किसी भी बात को हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं और उसमें अगर हमारे अधिकारियों की या अधीनस्थों की बहुत ज़्यादा दखल है या वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं, तो भी हमारा संचार सही ढंग से नहीं हो सकता है। ये भी संचार के प्रमुख अवरोधों में से व्यक्तिगत अवरोध के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य अवरोधों की। कुछ अन्य अवरोध क्या हो सकते हैं? जैसे दोषपूर्ण संचार माध्यम। संचार माध्यम ही अगर हमारा दोषपूर्ण है, उसमें कोई त्रुटि है, कोई मान लीजिए फैक्स मशीन है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, मोबाइल पे नेटवर्क सही नहीं है, तो ये भी संचार माध्यम, संचार में हमारे अवरोध उत्पन्न करते हैं। संचार साधनों की कमी, हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास सही संचार माध्यम नहीं है, ये भी संचार के अवरोध के अंतर्गत आता है। समय की कमी, अगर हमारे पास समय की कमी है और हम अपनी अभिव्यक्तियाँ दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये भी संचार के अवरोधों में गिना जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक व सामाजिक विविधता। सांस्कृतिक व सामाजिक विविधता मतलब हम किसी और समाज और संस्कृति से बिलोंग करते हैं और जिसको हम अपनी जो विचार हैं, जो अभिव्यक्तियाँ हैं, जो बातें हैं वो भेज रहे हैं, अगर वो किसी और समाज और संस्कृति से बिलोंग करता है तो जाहिर सी बात है दोनों की मानसिकता में अंतर पाया जाता है और ये अंतर संचार में अवरोध पैदा करता है। जो भी हम कहना चाहते हैं उसको वो प्रॉपर ढंग से सही वे में नहीं ले पाता है, ये भी संचार का एक अवरोध माना जाता है। दोस्तों, आज हमने बात की संचार के अवरोधों की। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और प्लीज़ अपने फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से देते रहिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो चैनल पर आपको जो नेट फर्स्ट पेपर का जितना भी सिलेबस है वो पूरा तैयार करा दिया जाएगा और आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से होंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।